भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले तीसरे वनडे मुकाबले से पहले मैदान पर आया श्रेयस अय्यर का तूफान। श्रेयस अय्यर ने जड़ा सबसे तेज शतक, बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड। दोस्तों, आप भी देखना चाहते हैं श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का दो मुकाबला खेला जा चुका है, जिसमें भारतीय टीम ने दोनों मुकाबले में जीत हासिल की है। तीसरा वनडे मुकाबला 27 जुलाई को खेला जाएगा, मगर दोस्तों उससे पहले भारत और वेस्ट इंडीज के बीच एक प्रैक्टिस मैच खेला गया, जिसमें वेस्ट इंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 240 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। वेस्ट इंडीज की तरफ से साई होप ने 115 गेंदों पर 6 चौके और 5 छक्के की मदद से 92 रन की शानदार पारी खेली। वहीं भारत की तरफ से शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेट लिए। 240 रनों का पीछा करने उतरे भारत के शानदार ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन और शुभमन गिल की शुरुआत बेहद ही अच्छी रही। दोनों बल्लेबाजों ने 105 रन की साझेदारी की, मगर दोस्तों 19वें ओवर की पहली गेंद पर शिखर धवन 52 की स्कोर पर अपना विकेट गवा बैठे, जिसके बाद दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने आते ही विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की, महज 46 गेंदों पर 5 चौके और 11 छक्के की मदद से 112 रन की नाबाद पारी खेलकर भारत को 6 विकेट से यह मुकाबला जिता दिया। मगर दोस्तों, ये महज प्रैक्टिस मैच था, क्या फाइनल मुकाबले में श्रेयस अय्यर शतक लगा पाएंगे या फिर नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।